you mm -hmm. Shari ओ राज चंद्र बाल ख्याल नाथी पामा जीनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे જાણી તેણે જાણી છે ઓણમયુણસવસિદ્ધે જાણ ઉત્તમ ખબી દીહ સંસારે દસ દસ દો દોય જીણે દસ દો અણુપે હણમ બોચે तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अनुवेक्षा सतशास्त्र संसार भावना का स्वरूप चल रहा है गाथा पच्चीस द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप आगे की गाथा में कहा कि ये जीव जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को नहीं जानता हुआ पांच प्रकार के परावर्तनों को करता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है वो पांच प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से हैं तो एक एक का बताएंगे पहला द्रव्य परिवर्तन दूसरा क्षेत्र परिवर्तन तीसरा काल परिवर्तन चौथा भाव परिवर्तन और पांचवा भाव परिवर्तन ऐसे पांच प्रकार के इसको परावर्तन भी कहते हैं परिवर्तन भी कहते हैं ये एकार्थवाचक शब्द तो द्रव्य परिवर्तन क्या है उसका स्वरूप समझाते द्रव्य को छोड़ना और ग्रहण करना ये द्रव्य परिवर्तन क्षेत्र में क्षेत्र को क्षेत्र में जन्म लेना और उस क्षेत्र को छोड़ना एक क्षेत्र परिवर्तन काल में विकसित काल में जन्म लेना और उस काल में मरना ये काल परिवर्तन भाव में उस भाव को करना और उस भाव को छोड़ना भाव परिवर्तन भाव में कोई विकसित भाव लेना और फिर उसको छोड़ना ये भाव परिवर्तन कहलाता काल परिवर्तन है तो काल परिवर्तन में ओ। जैसे काल परिवर्तन है तो ऐसे तीसरे समय में जन्म लिया उसने ऐसा तो फिर वो तीसरे ही समय में मरण ऐसा इस प्रकार का का मतलब लेना और छोड़ना मतलब उसका दोनों जिस तरह से वो जन्म लेता है उसी तरह से वो मरता है उसको एक परावर्तन कहते हैं मतलब जैसे आपने असर्पणी के प्रथम काल में पहले समय में जन्म लिया और ऐसा करते करते दूसरे समय में फिर लिया तीसरे समय में ऐसे जन्म के आपने दस कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी और दस कोड़ा कोड़ी अवसरपणी में जन्म ले लिया आपने मरे तो कभी भी हाँ वही इसके बाद फिर आपने अब मरण का गिनाओ कि उच्च सर्पणी के पहले समय में आपकी मृत्यु हुई अब फिर इधर उधर बाकी जगह मृत्यु करके फिर दूसरे समय में मृत्यु हुई ऐसा करके पूरा उत्सर्पिणी दस कोड़ा कोड़ी और दस कोड़ा कोड़ी अवसर्पिणी में मरे ऐसे जन्म, जन्म और मरण दोनों जन्म का भी काल गणना है वो अलग समय और मरण के भी अलग प्रकार हाँ, की गणना होगी परावर्तन की ये दोनों मिला करके परावर्तन है हम्म तो आगे द्रव्य परिवर्तन यहां द्रव्य का मतलब है भाव परिवर्तन एक मिनट आप आवाज ओम 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 भाव परिवर्तन में एक भव लिया जैसे एकेंद्री है अब एकेंद्री में आप पृथ्वी कायिक बने अब पृथ्वी काइको के सात लाख योनिया होती है आपने क्रम क्रम से एक एक योनि ली सात लाख की एक भव लिया एक योनि में जन्म लिया फिर वो भव पूरा किया एक भव हो गया ऐसे सात लाख भव उसमें पूरे किए फिर जल कायिक के सात लाख को पूरे किए फिर अग्निकायक के सात लाख उसको पूरा किए फिर वायु कायिक के सात लाख उसको पूरा किए उस प्रकार से उन चार स्थावरों में किए फिर वनस्पति कायिक है उसमें दस लाख प्रत्येक वनस्पति का उसको पूरे किए फिर साधारण के बादर और सूक्ष्म में सात सात लाख उसके हैं तो उसका पूरा किए ऐसा करते 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 चौरासी लाख जीव जितने भी हैं उनमें प्रत्येक भव ग्रहण किया और फिर वो चौरासी लाख पूरा करना मतलब वो अवगहना के प्रमाण भव बढ़ते जाएंगे उनके हाँ अवगहना जैसे छोटी घनांगुल सूक्ष्म घनांगुल प्रमाण सबसे चोट छोटी अवगहना और फिर उससे लेकर के महामत्स्य तक की अवगाना ऐसा भव परावर्तन हाँ। दो प्रकार से एक अवगहना की अपेक्षा से भी है और एक भव की अपेक्षा से ही अवगहना का मतलब होता है कि जैसे एकेंद्रीय में सबसे छोटी अवगहना के रूप में जन्म लिया आपने फिर ऐसा करते 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 शरीर आपका बड़ा और बढ़ता बढ़ता महामत्स्य बन गए एक ये अवगहना की अपेक्षा से एक ये योनि स्थान में जन्म लेने की अपेक्षा से वो सब आप क्रम नहीं है बस ये एक एक करके पूरा करते हैं वैसे तो क्रम ही है आपने सात लाख उसमें गए सात लाख उसमें गए सात लाख उसमें गए ऐसा करते करते आपने पूरे किए बाद में बीच में अक्रम हुआ उसको नहीं गिनना क्रम क्रम से सब में क्रम है क्रम से वो परावर्तन बहुत बड़ा होता है अक्रम में परावर्तन बहुत बड़ा होता वैसे वो भी अनंत काल का ही है परंतु क्रम क्रम से क्योंकि एक बार एक समय में जन्म लिया फिर अब दूसरी बार उसके दूसरे समय में जन्म लेना मतलब वो इतना कठिन काम है इतना अनंत भाव निकल जाते हैं फिर से दूसरे में लेता है तो एक परावर्तन सामान्य है वो अनंत काल का है पर जो विशिष्ट परावर्तन सूक्ष्म परावर्तन है वो अनंत अनंत काल का है उसका काल है दोनों इसी प्रकार से जन्म लेता है और इसी प्रकार से मरण करता है दोनों प्रकार से तो ये द्रव्य परावर्तन है उस द्रव्य परावर्तन में पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके छोड़ना ये द्रव्य परावर्तन कहलाता है यहां द्रव्य में कौन सा द्रव्य लेना पुद्गल द्रव्य को तो इस जगत में जितने भी पुद्गल हैं उन सभी पुद्गलों को क्रम क्रम से ग्रहण करना किस रूप में ग्रहण करना शरीर के रूप में ग्रहण करना और कर्म के रूप में ग्रहण करना आत्मा दो प्रकार से ग्रहण करता है एक शरीर के रूप में ग्रहण करता है और एक कर्म के रूप में ग्रहण करता है मतलब नौ कर्म और कर्म इन दो के रूप में ग्रहण करता है तो क्रम क्रम से उनको ग्रहण करना और फिर उसको छोड़ना सब्वे विपो गला खलो एगे जिया अनंत वेण पुगल परियट संसारे असय भी पुगला खलो एगे भुत्तिज्जियाहुजीवेणा असयम् अनंत खुत्तो पुगल पर यट संसारे सौ साथ सवे विपोगला खलो एगे भुत्तुज्जियाहु जीवेण असयम् अनत्त खुत्तो पुगल पर यट संसारे एक एक लाइन में वसंत दिल का संसार में विषय पुद्गल में अनेको संसार द्रव्य परिवर्तन वो रहा है सब साथ में संसार में विषय पुद्गल में अनेकों होगे तजे बहुत बार नितांत देखो संसार द्रव्य परिवर्तन वो रहा है अध्यात्म के विषय में जग सो रहा है गुजराती संसारमा विषय छे अनेको तजिया छे सर्व भोगी जीव वार अनेक छोडो अहो भ्रह्मणी आवि जू विधि पामो स्वरूप सुख ने सत्य रीति. अर्थ इस पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में एक ही जीव संपूर्ण पुद्गल वर्गणाओं को अनेक बार बार भोगता है और छोड़ देता है अर्थात कोई जीव जब अनंतानंद पुद्गलों को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ता है तब उसका एक द्रव्य परावर्तन होता है इस जीव ने ऐसे अनेक द्रव्य परावर्तन किए हैं आप पुद्गल परिवर्तन रूप संसार एक जीव संपूर्ण पुद्गल वर्गणाओं ने अनेक अनंत अनंतवार भोगवे छे, अने छोड़े छे अभी देखो कैसे उसको समझना कि पहले कर्म द्रव्य परावर्तन और फिर बाद में द्रव्य कर्म परावर्तन नौ कर्म का मतलब होता है शरीर बनने के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का नाम नौ कर्म है बराबर नौ कर्म किसे कहते हैं शरीर बनने के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उसको नौ कर्म नाम दिया है तो भी किसी जीव ने किसी एक समय में प्रति समय ये जीव नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है हर समय कोई समय ऐसा नहीं है कि वो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है तब किसी जीव ने किसी एक समय में नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया किसी एक विशिष्ट जाति की फिर क्या किया वो कर्म वर्गणाएं फिर अपना समय पा करके खिर गई अब वो कि वो ही, अब इसके बाद इस जीव ने अलग अलग बहुत प्रकार की नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया फिर ऐसी जितनी वर्गणाएं थी वो ग्रहण किया इसके बाद वो जो पहली बार उस समय में नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया था वो ही की वही नौकर्म वर्गणाओं को ये जीव फिर से ग्रहण करता है उसी प्रकार से तो वो एक नौकर्म द्रव्य परावर्तन है बात समझ में आई शरीर बनने के योग्य जो पुद्गल वर्गणाए हैं उन पुद्गल वर्गणाओं को एक एक जितनी भी पुद्गल उन सबको क्रम क्रम से उसको ग्रहण करके छोड़ देना तो एक समय में जो ग्रहण किया था फिर अगले समय में दूसरी ग्रहण करेगा अगले समय में तीसरी ऐसा करते 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 जितनी पुद्गल वर्गण आए वो सब ग्रहण करेगा ये जीव और फिर जो पहले किया था पहले समय में वो फिर से ग्रहण करेगा फिर दूसरे समय में किया था वो फिर से ग्रहण करेगा फिर तीसरे समय में किया था वो फिर से ग्रहण करेगा ऐसे एक चक्कर पूरा होता है उसको एक नौकर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई इसको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं अपन दृष्टांत स्थूल हमने किसी एक समय में मिठाई खाई खाई ग्रहण की और खा करके अपन उसको वो, वो, वो तो मल बन गया फिर निकल गया फिर वो अलग अलग प्रकार से वो तो बिखर गया अब इसके बाद अपनों ने जितना और जो भी भोज्य पदार्थ खा सकते हैं वो सब खाए इसके बाद वो जो पहले समय में वो मिठाई खाई थी वो मिठाई के जो पुद्गल वर्गणाए हैं वो उसी मिठाई के रूप में वही पुद्गल सब इकट्ठे होकर के आएंगे वही की वही दूसरे नहीं वही के वो इकट्ठे होकर आएंगे और फिर उसी प्रकार से हम उस मिठाई को खाएंगे तो ये एक पुद्गल, एक नौकर्म नौकर्म द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ ऐसे करते करते सारी जितनी नौकर्म वर्गणाए हैं उसको ग्रहण करते जाता है ये जीव उसमें एक नौकर्म द्रव्य परावर्तन कहलाता है तो ये शरीर है तो इस शरीर की सबसे छोटी अवगहना वाला जीव है वो प्रथम समय में उसने उस कर्म वर्गणाव को ग्रहण किया और फिर अपना शरीर बनाया उसने फिर अलग 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 प्रकार से शरीर बनाता गया वो फिर दूसरे समय में उससे अधिक अवगहना वाली बनाया फिर उससे थोड़ी अधिक अवगहना वाला बनाया फिर उससे थोड़ा अवगहना वाला शरीर धारण किया और फिर ऐसा करते 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 सबसे बड़ा शरीर जो महामत्स्य का होता है एक हजार योजन का कितना इतना बड़ा शरीर धारण किया उसने तो ये ये एक स्व अपनी अपेक्षा से स्व नौकर्म है अपने शरीर की अपेक्षा से उसने नौकर्म वर्गणा को ग्रहण किया इस ये शरीर की अपेक्षा से है और एक अन्य अन्य जितनी पुद्गल वर्गनाएं होती है उसको ग्रहण करके छोड़ करके वही पुद्गल वर्गणाएं फिर से ग्रहण करना वो भी एक नौकर्म परावर्तन कहलाता है। तो ऐसे इस संसार में जितने शरीर हो सकते हैं वो सब शरीरों को हमने क्रम क्रम से धारण करके छोड़ सबसे छोटा लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव का शरीर होता है वो किसी समय में हमने उस वो लिया फिर उससे थोड़ा सा अधिक अवगहना वाला वही निगोदिया जीव फिर इससे अधिक अवगहना वाला वही निगोदिया जीव ऐसा करते 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 जितनी उत्कृष्ट अवगाना उस जीव की हो सकती है उतने क्रम क्रम से फिर उस निगोद पर्याय को छोड़ा फिर हमने स्थावर में आए तो पृथ्वी का एक की जितनी भी सूक्ष्म अवगाना से उत्कृष्ट अवगाना हो सकती है ऐसा करते 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 सबसे बड़ी अवगाना वाला जो शरीर है उसको अपनों ने धारण किया मनुष्य बने तो सबसे छोटा मनुष्य साढ़े तीन हाथ का कहते हैं और उससे भी बोने मनुष्य तो वो भी ऐसा करते करते 525 धनुष का मनुष्य बना ऐसे हर जगह जहां भी जो जघन्य और उत्कृष्ट अवगाना वाला शरीर है वो सब समझ लेना उन सब को इसने ग्रहण किया और फिर छोड़ा हाँ तुम्हारा सुप्रश्न तंदुल मत्स्य से लेके महामत्स्य तक हम सब बन चुके हैं अनंत बार ऐसा हुआ उसका हाँ ऐसा अनंत तंदुल मत्स्य नहीं सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर के राघव मत्स्य नहीं ये तो मैं इसलिए कह रहा था वो तथा हाँ। तो बहुत बड़ा है वो जो सातवी नरक में जाता है वगैरह हाँ, जो होता है ना तंदुल मत्स्य है वो तो मच्छर के जितना है और वो एक कज्जर योजन पर सबसे छोटा सूक्ष्म निगोदिया जीव है उसकी सबसे छोटी अवगाना उसकी सबसे छोटी अवगाना वो जन्म लेने के तीसरे समय में होती है तंदुल मत से तो पंचेंद्रिय में उसकी शुरुआत होती है उसके पंचेंद्रिय के नीचे बहुत सारे भाव हाँ। हैं नहीं नहीं वो तो मैं तो इसलिए पूछ रहा था हाँ तो जो ऐसी बहु विचित्र अवस्थाएं वो हम कर चुके वो वैराग्य लाने के लिए मैं वो तंदुल मत का उदाहरण इसलिए दिया सातवीं नरक तक जाता है इसलिए किसी भी शरीर से बहुत अधिक अपने को आश्चर्य नहीं करना ये शरीर कैसे अगर? अरे वो शरीर हम धारण कर चुके हैं किसी शरीर से राग नहीं करना किसी शरीर से द्वेष नहीं ये वैराग्य अगर आए इससे तो इसको जानना सार्थक है नहीं तो उसको जानने से व्यक्ति को डर लगता है आर्त ध्यान करता है इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा उपदेश निची भूमिका वालों को बहुत नरकों का बहुत ही परावर्तनों का ये कभी कभी जो भूमिका नहीं होती और करा देते हैं तो वो डरते रहते हैं हमेशा और हमेशा आर्थ ध्यान करते रहते परिणाम छूटते तो है नहीं उनसे और ऊपर से डर और आ गया उसके लेशा बिगड़ी हुई रहती है उनकी तो और इसलिए देखो आध्यात्मिक उपदेश देने वालों बहुत ये ये वर्णन नहीं करेंगे कभी भी आपका કે ઈસ નરક એ દુઃખે વો દુઃખે એસા દુઃખ ને બધું હે અભી તુમ આપને પરિણામ સંભાળો ડરને કી કોઈ આવશ્યકતા વૈરાગ્ય લે કર કે ઉસકો કરો નહીં તો કૃપાળુદેવને એક જગ લિખાય કે તથારૂ કા વગર જો લોકની રચનાનું જ્ઞાન કરવામાં આવે તો ઘણું કરી જીવનું પતન થાય છે क्योंकि जीवों को ये नरकों में न स्वर्गों में, में ये इस परावर्तन में बड़ी रुचि होती है ये कैसा होता है न वैसा होता है और अगर भूमिका नहीं और ये समझे तो वो हमेशा डरता रहेगा उसके और उस भय से परिणाम तो छूटेंगे नहीं उसके वैराग तो आएगा नहीं पुण्य बनेगा नहीं उल्टे पाप को वो बांधेगा इसलिए समझदारी से कि ये वस्तु का स्वरूप है और ऐसे परावर्तन हमने अनेक बार किए हैं अब नहीं करें उसका प्रयत्न करें डरने का नहीं उसमें और उसमें निगोद से लेके जो में तो देवलोक का सब आ जाता है ना सब आ गया तो पूरा करके बाद में जब वापस निगोद में जो भी है वापस वो सूक्ष्म अवगाना वाला वापस उसने ग्रहण किया तभी एक परावर्तन होगा एक परावर्तन हो ये नो कर्म द्रव्य परावर्तन अब कर्म द्रव्य परावर्तन आठ प्रकार के कर्म होते हैं ज्ञानवरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनी, आयु नाम गोत्र अंतराय उन आठ प्रकार के कर्मों में प्रति समय उनका बंधन एक आयुष्य कर्म को छोड़ो उसका किसी समय विशेष में ही होता है पर उसमें से सात कर्मों का बंधन निरंतर इस जीव को होता है कोई समय ऐसा नहीं है कि वो बंधन नहीं हो रहा है अब उन सात कर्मों के विविध विविध प्रकार के अनंत प्रकार की उनके भेद हैं उन सात के ज्ञानावरण भी अनंत प्रकार के दर्शनावरण भी अनंत प्रकार के क्योंकि कर्म अनंत प्रकार के उसमें अब कोई विशिष्ट प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय नाम गोत्र अंतराय इस पुद्गल वर्गणाओं को किसी एक समय में उसने ग्रहण किया जैसे इस समय अपनों ने ग्रहण किया और फिर उनका काल पाकर के उदय आया और वो सब निर्जरित हो गए इसके बाद उसने जितने प्रकार के और और प्रकार के कर्म हो सकते हैं वो सब ग्रहण किए और फिर से प्रथम बार वो जो नौकर, वो जो कर्म ग्रहण किए थे उसी जाति के उसी आकार के उसी रस के उसी स्पर्श के उसी गंध के उसी प्रकार के उसी विपाक वाले उतने ही प्रदेश वाले उतनी ही स्थिति वाले जो प्रथम बार उसने ग्रहण किए थे वो ही कि वो वापस ग्रहण करता है तो एक कर्म द्रव्य परावर्तन कहलाता है तो उसमें अनंत काल बीच में निकल जाता है क्योंकि निर्जरा हो गई निर्जरा होने के बाद में वो अब कर्म नहीं रहे अब वो कर्म वर्गणा नहीं रही अब वो तेईस प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं हैं उनमें से किसी भी वर्गना में वो परिवर्तित हो जाएगा फिर वो 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 जो पुद्गल है उन तेईस वर्गणाओं में परिभ्रमण करेगा कभी वो कर्मरूप हो रहा है अब कर्म रूप चला गया अब वो भाषा रूप हो जाएगा कभी मन रूप हो जाएगा कभी नौकर्म रूप हो जाएगा कभी पृथ्वी रूप में हो जाएगा कभी वायु रूप हो जाएगा कभी अग्नि रूप हो जाएगा कभी लोहे के रूप में हो जाएगा कभी किसी रूप में हो जाएगा ऐसे जितने प्रकार की वर्गणाएं हैं वो तेईस वर्गणाएं उसके अनंत भेद हैं उसमें वो पुद्गल परिवर्तन करते रहेंगे और इसके बाद फिर से वो सारे पुद्गल जो ग्रहण किए थे वो उसी स्पर्श रस गंध वर्ण वाले उसी स्थिति उसी विपाक वाले उसी शक्ति वाले कर्म के रूप में वो बदलेंगे और फिर उसको वो जीव ग्रहण करेगा तो एक कर्म द्रव्य परावर्तन पूरा हो जाता है उस प्रकार से जितने ये इस जगत में पुद्गल हैं जो कर्म रूप होने योग्य सभी हैं उन सबको ये बारी बारी से ग्रहण करता है और छोड़ देता है तो ये एक कर्म द्रव्य परावर्तन कहलाता है ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको हमने नहीं बांधा हो नो कर्मन, ये कार्मन सभी यहां केवल कर्म वर्गणा लिया है। नहीं वो कर्म पर क्योंकि कर्म द्रव्य परावर्तन है यहां नहीं। कर्म के रूप में वो सब किस में आएंगी नो कर्म वर्गणाओं में आएगी क्योंकि उस नो कर्म वर्गणाओं से बाकी सब चीजें बनती हैं जो मनो मन है वगैरह क्योंकि शरीर के बाद इनका निर्माण होगा सारे, सारे मतलब वो शरीर आश्रित है मन वचन की सब है वो हाँ वो सारे। उस उसमें सारे, सारे गर्भित है स्वाचो भी भी कर्मों में, कर्म में गर्भित है ये सारी उसमें गर्भित है और ये कर्म वर्गनाए हैं वो अलग प्रकार की है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय इस रूप में होती है शब्द वर्गणा भाषा वर्गणा एक ही एक ही इस प्रकार से इस जीव ने अलग अलग प्रकार से कर्मों को कोई कर्म ऐसा नहीं है अच्छा कौन कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं तो उन 148 प्रकृतियों में सबको इसने ग्रहण किया है कि कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनको ग्रहण नहीं किया है अभी प्रश्न है कर्म परावर्तन तो तो ही होगा ना सबको ग्रहण किया और कुछ नहीं ऐसा सर्वथा कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि जिसने उसने ग्रहण किया ही नहीं कौन सी प्रकृतियां होंगी तीर्थंकर प्रकृति को कभी नहीं ग्रहण किया जो भी प्रकृति सम्यक दर्शन होने के बाद ही जिसका ग्रहण होता है वो एक भी प्रकृति इसने ग्रहण की नहीं है। उस, उस रूप में उसने ग्रहण नहीं किया है तो अब जब गणना करेंगे तो 148 कर्म प्रकृतियों में से ज्ञानावरण किए दर्शनावरण किए तो नाम कर्म किए तो, तो ज्ञानावरण की तो सारी प्रकृतियों को उसने ग्रहण किया है मति ज्ञानावरण भी किया है श्रुत ज्ञानावरण दर्शनावरण भी सारे किए हैं वेदनीय में भी सारे किए हैं मोहनीय में भी क्योंकि परावर्तन मिथ्या दृष्टि को इसलिए उसने सब ग्रहण किए हैं अब उसमें नाम कर्मों में कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि जिनका जो सम्यक दर्शन होने के बाद ही जिसका आश्रव बंद होता है तो उसमें एक तीर्थंकर नाम कर्म भी है कि उनका आश्रव सम्यक दृष्टि को ही होता है और ये जीव तो परावर्तन करने वाला जीव तो कभी सम्यक दृष्टि तो हुआ ही नहीं है तो ग्रहण कैसे करेगा उस तीर्थंकर प्रकृति को तो ऐसे सहना में भी फिर आहारक द्वय है उसको भी इसने ग्रहण नहीं किया है सहनन में ऐसा है कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन मिथ्या दृष्टि को भी होता है इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है छह प्रकार के सहनन मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं सहनन में कोई दिक्कत नहीं है संस्थान में भी कोई दिक्कत नहीं है संस्थान भी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है परंतु आहारक द्वय वगैरह और कुछ प्रकृतियाँ ऐसी है जिनको इस जीव ने नहीं ग्रहण किया है उस प्रकृति के उस पुद्गल को अन्य रूप में ग्रहण कर सकता है वो वो पुद्गल अन्य कर्म वर्गणा के रूप में आया अथवा भाषा वर्गणा के रूप में अथवा परंतु उसको उस रूप में ग्रहण नहीं किया गया तो इस प्रकार से द्रव्य परावर्तन है तो कहते हैं कि अध्यात्म के विषय में जग सो रहा संसार द्रव्य परिवर्तन संसार में विषय पुद्गल में अनेकों भोगे तजे बहुत बार नितांत देखो संसार द्रव्य परिवर्तन हो रहा है अध्यात्म के विषय में जग सो रहा है अब ये तो बंधे और छूटे इससे क्या अध्यात्म मतलब इसने अप, अपने अंदर वर्तना नहीं की है अपने अंदर वो आया पुद्गल के अंदर तो घूमता रहता ही ये हर समय पर अपने प्रदेशों में अपने रूप में उसने कभी स्वरूप में परिणमन किया अगर स्वरूप में परिणमन करे तो उसका परावर्तन होगा नहीं परावर्तन किन किन का नहीं होता है क्या सब जीवों का परावर्तन होता है हाँ नित्य निगोदिया जो कभी निगोद से निकले नहीं उनका परावर्तन होगा ही नहीं क्योंकि वो निकले तो हो तो निकले नहीं और जो नित्य निगो दिया है कि जो निकलेंगे ही नहीं कभी उनका कभी होगा भी नहीं परावर्तन दूसरा किसका नहीं होता है सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान का पूर्व में होता है परंतु अब होगा अरहंत हो और सिद्धों का और किसका नहीं होता है अरिहंत सिद्ध सब्य दृष्टि का सबका नहीं होता है समझ लो और किसका नहीं होता है दुर्भ जी अब ऐसा कोई जीव जो निगोज से निकला और एक परावर्तन पूरा होने के पहले ही उसका मोक्ष हो गया तो उसका परावर्तन पूरा ही नहीं होगा हाँ क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो शर्त क्या पता है उसका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाए अब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो आ गया और इसके बाद उसने अब नित्य निगोज से निकला निगोज से निकला अनादि निगोज से और फिर वो भाव लेते 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 अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा कर दिया उसने अब जैसे ही वो अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ और उसको सम्यक दर्शन हो गया अब उसका पूरा एक परावर्तन भी होगा नहीं निकलने के बाद भी एक भी परावर्तन उसका नहीं होगा ऐसे उस उस प्रकार से परावर्तन अब हर एक के बारे में ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। अब यहां बैठे हैं अब यहां बैठा कोई व्यक्ति वो कब निकला था हमको पता इसलिए हमने सारे परावर्तन किए ही हैं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि जनरल सामान्य रूप से सब करते हैं परंतु हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि जिसने नहीं किया अपवाद रूप कोई होता है बाकी जनरली तो ये परिवर्तन करते रहते हैं हां भरत राजा के पुत्र हाँ, अब अब भरत चक्रवर्ती के पुत्र देखो अब उसमें सोचना जैसी वस्तु है कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद पर्याय से निकले अनादि निगोद से निकले तो वो तीसरे भव में मोक्ष नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते अगर अनादि काल से ही वो उस निगोद पर्याय में हैं तो सम्यक दर्शन की शर्त ऐसी है कि पुद्गल परावर्तन काल शेष रहे तभी सम्यक दर्शन हो सकता बात समझ में आ रही बात समझ में आ रही ना अब वो काल से कोई जीव निगोद में है और उसने एक इंद्री में जन्म लिया और फिर तीन इंद्रिय में जन्म लिया और फिर भरजी के पुत्र में जन्म लिया अब उसका तो पुद्गल परावर्तन पूरा ही नहीं हो रहा यहां तो तीन ही भव हो रहे केवल और उस कंडीशन में तो वो मोक्ष नहीं जा सकती समझ में आ रही बात अगर अब, अब उसको आप इतर निगोद के रूप में गिनो कि वो उसने निगोद पर्याय को छोड़ करके वापस निगोद में गया और उस निगोद से निकल करके वो तीसरे ही भव में मोक्ष गया वो तो संभव है समझ में आ रहा है नित्य अर्ध पुद्गल कर परावर्तन किए बिना मोक्ष नहीं जा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लब्धि है वो उस काल लब्धि को तो प्राप्त करना ही होगा ना उसको और काल लब्धि नहीं आएगी तो कैसे प्राप्त करेगा तो उसको इतना तो करना ही है इसके बाद उसका जो भी होगा वो होगा तो वो भी अपवाद कैसे है वो पता नहीं है परंतु ये सब विचारणीय प्रश्न है कभी केवली के पास जाएंगे तो अपन पूरा अच्छे से उत्तर उनके पास लेके क्योंकि तो अपने मन में जो जो प्रश्न आते हैं उनका समाधान शास्त्रों में भी नहीं है कहीं फिनी विद्वानों के पास भी नहीं है इसलिए वो अनुत्तर ही है और अनुत्तर का उत्तर केवल अनुत्तरवासी ही दे सकते हैं है। और कोई नहीं दे कथन की अपेक्षा समझने के लिए है कि भावों का कैसा महात्म्य है इसलिए दृष्टांत दिया जाता है नहीं होगा भी सही पर हमको उसकी अपेक्षा पता नहीं नहीं वो है कि नहीं है हाँ। यूं शंका नहीं करके उसमें अपने को जो कहा है वो है लेकिन वो ये अपेक्षा से कहा उसमें जो उसका प्रयोजन है वो ग्रहण करना चाहिए द्रव्य संग्रह है अपना द्रव्य संग्रह उसमें उस... नहीं होगा द्रव्य संग्रह होगा उस उसमें ही वो दृष्टांत दिया है द्रव्य संग्रह अब उन्होंने निगोद में कौन सा निगोद उपयोग किया है शब्द वो अपने को पता नहीं भव्य अभव्य उसमें है कौन सी गाथा में तो पता नहीं जैसे अपने कर्म के विषय में पूछा था ना कि कुछ कर्मों को कर्मण वर्गणा को ग्रहण ही नहीं किया है ऐसे ही भाव के विषय में भी आएगा ना कुछ भावों को जीव ने ग्रहण ही नहीं किया है सम्यक्तो भाव कभी हाँ, किया सम्यक ही नहीं सम्यक्तो भाव नहीं किए से भावों के विषय में और भी जो जो उत्कृष्ट तो जगह है भव हैं कुछ भवों को भी नहीं ग्रहण किया है हाँ। जिससे कभी वो दक्षिणेंद्र नहीं बनाए कभी वो सरवार सिद्धि का देव मतलब नहीं बना भगवान है। के माता माध्यम अनुतरों का अनुत्तरों में नहीं गया है और इस प्रकार से श्लाघा और... पुरुषों में भी ऐसे होते हैं कि एक बार वो पुरुष पुरुष मोक्ष गामी भी हाँ, होते हैं तो मतलब जो सम्यक दर्शन से जो भाव प्राप्त होते हैं वो तो सब उसने किए ही नहीं इसलिए सम्यक तो वो भाव नहीं किया उसमें उसमें वो सब गर्भित हो जाते हैं इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है सम्यक दर्शन बस उसी के गाने सब जगह गाए जाएंगे उसके बिना इस जीव ने सारे भाव कर लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पर एक सम्य भाव किया जो सबसे सरल भाव है वो नहीं किया कठिन कठिन भाव कर लिए कठिन कठिन भव कर लिए सब कठिन कठिन कर लिया सबसे सरल अपने आप का स्वीकार करो वो नहीं हुआ इससे बाकी सब हुआ उसको पर अपने को स्वीकार नहीं कर सका अपनी सत्ता को वो स्वीकार नहीं कर सका बाकी सब सत्ता को स्वीकार किया क्या किया हमने किसी को शत्रु के रूप में स्वीकार किया किसी को मित्र के रूप में स्वीकार किया अच्छे के रूप में स्वीकार किया चा? पर अपने को स्वीकार नहीं कर पाए बस दूसरों को सबको किया कभी अच्छे के रूप में कभी बुरे के रूप में ये विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाया कि मैं दृश्य को तो देख सकता हूं उसको स्वीकार कर सकता हूं ये ये है पर मैं उस जानने वाले को मैंने स्वीकार आज तक उसका आदर नहीं किया स्वीकार करने का मतलब उसका आदर नहीं किया और इसलिए हमारी कषाय कभी भी मंद नहीं पड़ी सम्यक दृष्टि के बिना कषाय मंद पड़ती ही नहीं कषाय कम होती है वो नौग्रवेक तक जाएगा ऐसा शुभ बांधेगा पर भीतर से वो व्याकुलता नहीं जाती व्याकुलता कब जाएगी जब अपने स्वसत्ता को अपने ज्ञायक भाव को स्वीकार करेगा तो मैं ज्ञायक हूं इससे क्या होता है कि हर समय जीव समाधान में रहता है इसलिए अंदर से कोई पूर्व कर्म के उदय से कषाय जागेगी तो तुरंत वो समाप्त क्यों अपने को आप भूल के हैरान हो गया माया के जाल में विरान हो गया अपने को आप भूल के हैरान हो गया माया के जाल में फसा वीरान हो गया माया के जाल में विरान हो गया माया के जाल में विरान हो गया सदगुरु परम कृपाण त्रिलोकनाथ की जय सब संतन की आनंद भी ओ एक मिनट मो आत्म ओ, शांति 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 जय